गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोडियम एल्गिनेट देखा था। आज हम लोग आगार पढ़ेंगे। तो आगार भी जो है ये फार्मास्यूटिकल ऐड का ही कंपाउंड है। आगार को हम जैपनीज इसिंग ग्लास बोलते हैं, या आगार आगार बोलते हैं, या वेजिटेटिव जिलेटिन के नाम से जानते हैं। इन सारे नामों से हम आगार को बोल सकते हैं, जो कि हमें ऑप्टेंड होता है। ये एक रेड एल्गी की स्पीसीज होती है। उनके डिकॉक्शन से हमें ये मिलता है। तो डिकॉक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि हम उसे हीट करने के बाद बॉयल करते हैं, तो वो एक कंसंट्रेटेड लिक्विड का फॉर्मेशन करती है। कंसंट्रेट इन द सेंस विस्कस टाइप का होता है, जेल टाइप का, गाढ़ा, तो वैसा लिक्विड का फॉर्मेशन करती है, तो उसी से हमें मिलता है। तो ये रेड एल्गी में कौन कौन सी रेड एल्गी की स्पीसीज होती हैं? पहला है जिलीडियम, फिर पेट्रोक्लैडी, फिर नेक्स्ट है जिरेसिलेरिया। ये सारी जो हैं ये रेड एल्गी की स्पीसीज हैं, और इनकी फैमिली होती है जिलीडिएसी। देन इसका आता है जियोग्राफिकल सोर्स। तो बेसिकली ये हमें कहाँ कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो ये जापान में मिलती है। जापान में जो भी मतलब उनके समुद्र का जो किनारा है, वैसे एरिया पे ये एल्गी मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये जहाँ मिलता है उस कंट्री का नाम है जापान। जापान के अलावा ये कोरिया, साउथ अफ्रीका, USA, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सारी जगहों पे मिलता है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बंगाल में बंगाल का जो समुद्री तट है, किनारा उनारा है, उधर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके कैरेक्टर पे। तो कैरेक्टर में ये जो होता है, ये अगार जो होता है या तो स्ट्रिप लाइक होता है, या तो कोर्स पाउडर होता है, या तो फ्लेक्स लाइक इसका वो होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है येलोविश वाइट होता है, ट्रांसलूसेंट सा होता है, और इसका टेस्ट जो होता है वो म्यूसिलेजिनस होता है, लसलसा टाइप का। और इनकी सॉल्युबिलिटी, ये ऑर्डर में ऑर्डरलेस होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है तो ये इनसॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में, और अगर हम कोल्ड वाटर में इनको डिप कर देते तो स्वेल भी हो जाते हैं। देन इनका होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आगार भी जो हमारा सोडियम एल्गिनेट पढ़ा था, और बाकी के सारे कंपाउंड, उनके तरह ये भी एक पॉलीसेक्राइड ही होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग है। तो ये भी पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड कंटेनिंग। तो ये हेट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। ये इसके जो मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक आगारोज होता है, एक आगारोपेक्टिन होता है। जो आगारोज है उसमें ये जो सल्फेट है, सल्फेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट आगारोपेक्टिन में सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको आगारोज पेक्टिन को सल्फोनेटेड पॉलीसेक्राइड्स के भी नाम से बोल सकते हैं। देन हम आ जाते हैं अब इसके यूजेस पे। तो यूजेस में ये बेसिकली जैसे अगर हम कोई कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमें आगार की ज़रूरत होती है, उसमें ज़रूरत होती है। और सॉरी क्लास। और इसका यूज़ हम जो होता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट करते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब जो लंबे टाइम से हमें कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट में कब्ज उब्ज लंबे टाइम से बन रहे हैं, उसमें करते हैं। जेलीज में करते हैं,
कन्फेक्शनरीज में करते हैं, जहाँ पे जैसे आइसक्रीम की प्रिपरेशन होती है, आइसक्रीम बनाया जाता है, पेस्ट्रीज बनाया जाता है, कैंडल्स, डेरीज, ऐसे सारे डेरी प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे सारे में यूज़ में होता है एज ए कन्फेक्शनरी पर्पस। फिर कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इनको जो भी हमारे ब्रेवरेज होते हैं उनके प्रिपरेशन में एज ए क्लियरिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर कोई लिक्विड सा प्रिपरेशन का हम बना रहे हैं तो उसको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साइज, और इसको हम पेपर या सिल्क इंडस्ट्री में एज ए साइज मीडियम की तरह यूज़ करते हैं। साइज मीडियम का मतलब क्या है कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये जो साइजिंग है, साइजिंग मीडियम, तो जब भी हम कोई सब्सटेंस को ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, तो पेपर सिल्क में ये जो साइजिंग मीडियम होता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। और ये जो वाटर रेजिस्टेंट बनाता है तो इससे हमारा ये होता है कि उस पर वाटर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और प्रिंटेबिलिटी को इनक्रीज़ करता है ये साइजिंग मीडियम। तो हम सिल्क और पेपर इंडस्ट्री में एज अ साइजिंग मीडियम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।